हम अपने अलग अंदाज से मनाते हैं ईद, हम अपनी अलग अंदाज से मनाते हैं ईद, हम अपनी खुशियाँ भूल कर, हम अपनी खुशियाँ भूल कर दूसरों का दर्द लेते हैं खरीद। क्या बात है, यही हमारी पुलिस की ड्यूटी है। थैंक यू वेरी मच। हिंदू मुस्लिम के नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसमें इस शहर के जो भी पार्टी के नेतागण हैं, जो भी समाज सेवक लोग हैं, जो आम जनता है, मैं उनसे सबसे गुजारिश है, ये हमारा शहर है और हमारा शहर बचाने का जिम्मेदारी हमारी होती है। तो ऐसा कोई भी अफवाह फैलाने की बहुत से लोग कोशिश करेंगे या कोई ऐसा कुछ हादसा होता है तो उसके अंदर जज्बात पर ना आते हुए उस मामले को शांति से, अमन और शांति से पूरा उसको हैंडल किया जाए। काम तो अभी जो चल रहा है वो चल रहा है और इंशाल्लाह आगे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। अभी बहुत से हम लोग का फंड वगैरह आ रहा है, हम लोग अगर नगर सेवक नहीं भी रहेंगे तो ये जो काम हम लोग करा रहे हैं आगे भी होएगा। अच्छा। और ये जो आप बोल रहे हैं फंड आने वाला, ये क्या पार्टी की तरफ से आ रहा है? हाँ, ये सरकार की तरफ से आ रहा है। सरकार तो आप ये कह रहे हैं कि अगर नगर पालिका बर्खास्त भी हो जाती तो काम होते भी काम हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। बॉन्ड सैलून, हर तरह के हेयर स्टाइल कट, हेयर कलर, फैशियल मसाज, फैशियल ब्लीच, हेयर स्ट्रेटिंग, डैंड्रफ ट्रीटमेंट के लिए मशहूर, बी साइड ऑफ हरमन चाय वाला, नियर ओशियन गार्डन, खंडूपाड़ा, भिवंडी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले आप तो हमारी दावत कबूल फरमाई इसके लिए, और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप ये दावत के ज़रिए जो है थोड़ा सा शहर के हालात के ऊपर जो है थोड़ी सी रोशनी डालें। सबसे पहले मैं
सॉल्यूशन पेंट्स और द वाइज न्यूज़ को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने आज एक शानदार इफ्तार दावत रखकर सब लोगों को एकजुट करने का काम किया, और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हम लोगों को इस इफ्तार दावत में बुलाया। जो ये महीना रमज़ान महीना जो हमारा रहता है, पाक महीना रहता है, इबादत का महीना रहता है, इसमें अल्लाह ताला दुआएं वो जल्दी कबूल फरमाते हैं, और पूरा शहर इतने कड़क धूप में जिन्होंने रोज़ा रखा उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिन लोगों ने भी दुआएं मांगी उनकी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। और आज इस शहर भिवंडी शहर जो है अमन शांति का शहर कहा जाता है, एक हिंदू मुस्लिम एकता का शहर कहा जाता है, आज पूरे देश में यहाँ से एकता का पैगाम जाता है भिवंडी शहर की तरफ से। मैं सिर्फ भिवंडी शहर के वासियों से एक गुजारिश करूँगा कि जो आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से बांटने का काम चल रहा है, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम के नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसमें इस शहर के जो भी पार्टी के नेता हैं, जो भी समाज सेवक लोग हैं, जो आम जनता है, मैं उनसे सबसे गुजारिश है, ये हमारा शहर है और हमारा शहर बचाने का जिम्मेदारी हमारी होती है। तो ऐसा कोई भी अफवाह फैलाने की बहुत सी लोग कोशिश करेंगे, या कोई ऐसा कुछ हादसा होता है तो उसके अंदर जज्बात में ना आते हुए उस मामले को शांति से, अमन और शांति से पूरा उसको हैंडल किया जाए, और जहाँ पे भी नज़दीक पुलिस रहे वहाँ पे संदेशा पहुँचा के वहाँ पे आप भले FIR करिए, केस करिए, लेकिन कोई ऐसा काम मत करिए जिसके अंदर कोई भी धर्म के लोगों का दिल दुखे। अरे भाई क्या कहेंगे आप, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जो शहर के अंदर जो इस तरह से हालात है, जो काम चल रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा मैं चाहूँगा आपसे। काम तो अभी जो चल रहा है वो चल रहा है, और इंशाल्लाह आगे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। अभी बहुत सा हम लोग का फंड वगैरह आ रहा है, हम लोग अगर नगर सेवक नहीं भी रहेंगे तो ये जो काम हम लोग करा रहे हैं आगे भी होएगा। अच्छा, और मतलब आप बोल रहे फंड आने वाला है, ये पार्टी की तरफ से आ रहा है? हाँ, ये सरकार की तरफ से आ रहा है। सरकार की तरफ से, हाँ, कांग्रेस को अलग से फंड है, राष्ट्रवादी का अलग से फंड है, बहुत से ऐसे फंड है जो अभी फिलहाल सबका लेटर आ गया है। अच्छा। और 1-1.5-2 महीने के अंदर पूरे शहर में बहुत सा काम हो जाएगा वार्ड का जी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर नगरपालिका बर्खास्त भी हो जाती तो काम होते रहे? काम हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों हमारे साथ में आज के हमारे मेहमान भिवंडी के ट्रैफिक इंचार्ज राजेंद्र मायने साहब है। तो मायने साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी दावत पे आए यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पे आके आपको कैसा महसूस हुआ है, और दूसरा फिर उसके बाद में हम आपसे पूछेंगे शहर के बारे में। बस यूनिटी जी, एक सिंगल वर्ड, दैट्स वी आर ऑल यूनाइट फॉर द आवर नेशंस। हम लोग सब एक है, भले ही हमारे त्यौहार अलग है, हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग तरह की हमारी सोच भी थोड़ी थोड़ी अलग रहती है, लेकिन बीइंग एन इंडियन हम लोग सब एक हैं और हम सब त्यौहार हम एक साथ मनाते हैं। दिस इज सिचुएशन व्हाट दिस सेज नाउ। सर भिवंडी सर, इस रमज़ान के मौके पर भिवंडी वासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? बस रमज़ान का मौका है, अच्छा अच्छा महीना है, नबी का महीना है, तो हम ऐसे ही सबके लिए यही कहूँगा, एक थोड़ा सा शेर भी बोल रहा हूँ, हम अपनी अलग अंदाज से मनाते हैं ईद, हम अपनी अलग अंदाज से मनाते हैं ईद, हम अपनी खुशियाँ भूलकर दूसरों का दर्द लेते हैं खरीद। क्या बात है, यही हमारी पुलिस की ड्यूटी है। थैंक यू वेरी मच सबको, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपको भी ईद की शुभकामनाएं, एंड थैंक्स फॉर कमिंग।